मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती के अवसर पर बुधनी में आयोजित कार्यक्रम में लाडली बहना योजना शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से लाडली बेटियों के लिए प्रदेश सरकार लाडली लक्ष्मी योजना चला रही है, उसी प्रकार से आज मैं अपनी बहनों के लिए लाडली बहना योजना प्रारंभ करने की घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा लाडली बालिकाओं और प्रदेश की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रदेश की बहनों को और सशक्त बनाने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। लाडली बहन योजना से मेरी पे सभी बहनें, चाहे वह किसी भी पंथ जाति संप्रदाय से होंगी, उन्हें समानता के साथ लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि लाडली बहना योजना के तहत 1,000 रुपये प्रति महीने सभी बहनों के खाते में डाले जाएंगे। 1,000 कोई बचावे भी जाएगा, मेरा मेरे है वे तो पति मुझे मारे चाहे कूटे, तुम्हें का लेंगे भैया, मेरे हाथ में मारे तो ये मानसिकता धीरे धीरे बदलने की कोशिश की, इसलिए मैंने लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बनाई। बेटियों की शादी व्यापक पैमाने पर शुरू की, बहनों स्वसहायता समूह की हो चाहे आंगनबाड़ी की भी हो, ज्यादा थोड़ी मिलता है, जितनी भी हो सबको मिलेगा। जल्दी उसके फॉर्म भरवाना मैं शुरू करूंगा, 2-3 महीने में सूची बन जाएगी और राखी के बहुत पहले तुम्हें भैया का पैसा खाते में मिलने लगेगा। बहन की भी घर में इज्जत बढ़ जाएगी, ससुराल में सास कहेगी बहू की 1,000 रुपया महीना है, लेकिन सास को भी मिलेंगे तो बहू भी सास की चिंता करेगी, अम्मा की चिंता करो। और अम्मा को पेंशन पहले से मिल रही होगी तो 600 वो 1,000 ये 1,600 हो जाएंगे हर महीना। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच्चाई है।